So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach, and today we are going to revise the chapter Nature, Objective and Scope of Audit. तो ऑडिट का अपना एकदम फंडामेंटल चैप्टर है एंड अगेन इट्स ए वेरी वेरी इजी चैप्टर एंड आप समझ सकते हो कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इस पार्टिकुलर चैप्टर से आएगा ही आएगा. ठीक है, खाली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का जो कुछ हिस्सा है वो हम चैप्टर्स में कवर नहीं कर रहे क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का अलग से हमने चैप्टर बना के रखा है. अदर देन दैट सारी चीज़ें अपन यहाँ साइमल्टेनियसली कवर करेंगे एंड जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम देयर. And before we start with the video, don't forget to like the video, share the video and subscribe the channel. तो अब देखना नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट. सबसे पहले एकदम बेसिक बातें हैं. एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो. सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट में डिफाइंड भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ठीक है, एंड अगेन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ये एनुअली बनाया जाता है या क्वार्टरली बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? तो एनुअली बनाया जाता है. और किसके लिए बनाया जाता है? कॉमन यूजर्स के नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया जाता है. अब एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकता है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है क्या, चेयरमैन स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है क्या? तो नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वही 5 चीजें शामिल है, उसके अलावा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, अब 3 बेसिक टर्म्स. अकाउंटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सबसे पहला जो शब्द है वो आता है अकाउंटिंग. पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होगा. एंड ऑडिटिंग की वजह से हो सकता है आगे इन्वेस्टिगेशन हो. ऑडिटिंग इज डिफरेंट, इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट. ठीक है ना, बट ऑडिटिंग अल्टीमेटली अपना जो ऑरिजिन है वो कहां से डिराइव करेगा? अकाउंटिंग से. कि पहले अकाउंटिंग होगा फिर ही ऑडिटिंग होगा. अब ऑडिटिंग होता क्या है? तो ऑडिटिंग का सिंपल डेफिनेशन है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. यहाँ इंडिपेंडेंस का रेलिवेंस बहुत ज्यादा है. ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, किसी भी एंटिटी का है. बोला कोई भी एंटिटी, हर एंटिटी का ऑडिट होता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो चैरिटेबल हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, हर एक एंटिटी का ऑडिट होता है. Whether such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना ही अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है या नहीं बना है. अब अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप किसी भी डिफरेंस के अंदर बेसिक बातें सोच सकते हो कि दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग कब होगा, ऑडिटिंग कब होगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, ऑडिटिंग कौन करेगा. तो अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करें तो इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ऑडिटिंग के मीनिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें दैट इज टू रिपोर्ट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. अकाउंटिंग किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की. जबकि ऑडिटिंग किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की. पहले अकाउंटिंग होगा कि पहले ऑडिटिंग होगा? पहले अकाउंटिंग होगा फिर ऑडिटिंग होगा. ठीक है ना, पहले अकाउंटिंग होगा फिर ऑडिटिंग होगा. फिर उसके बाद बात करते हैं ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन की, कि ऑडिट क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है. अगेन अपने को लॉजिकली सोचना है, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कौन इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, कौन ऑडिट करा रहा है, ऑडिट का नेचर क्या है, इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या है, ऑडिट में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है. तो ऑब्जेक्टिव, ऑडिट का अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है. जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू एस्टैब्लिश ए पार्टिकुलर फैक्ट. ठीक है, दैट इज टू एस्टैब्लिश ए पार्टिकुलर फैक्ट और ए हैपनिंग ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, फ्रॉड हुआ नहीं हुआ. स्कोप की बात करें तो बोला गया अगेन जो ऑडिट का स्कोप है वो लॉ में डिफाइंड होता है, ICAI डिफाइन करता है. जबकि जो इन्वेस्टिगेशन का स्कोप है वो लॉ में भी दिया हो सकता है, या हो सकता है कि जो पार्टी इन्वेस्टिगेशन करा रही है वो भी स्कोप डिफाइन कर रही है. पीरियोडिसिटी की बात करें तो मतलब ऑडिट नॉर्मली स्टेट ऑडिट की बात करें तो ईयरली होता है, बट और भी अलग अलग प्रकार के ऑडिट्स होते हैं जो हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है. जबकि इन्वेस्टिगेशन का तो कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं. उसके बाद अगर नेचर के बेसिस में बात करें तो ऑडिट का एक लिमिटेशन होता है कि अपन टेस्ट चेकिंग के हिसाब से काम करते हैं, सैम्पलिंग के हिसाब से काम करते हैं. जबकि इन्वेस्टिगेशन में 100% चेकिंग होता है. ऑडिट के अपने कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से ऑडिटर खाली रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता. जबकि इन्वेस्टिगेशन के वैसे कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होते. जो एविडेंसेस अपन ऑडिट में ऑब्टेन करते हैं वो परसुएसिव एविडेंसेस होते हैं, प्राइमा फेसी एविडेंसेस होते हैं. राइट, वो कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट नहीं होता, उतना कंक्लूसिव नहीं होता. लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो एविडेंसेस इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन करता है दैट हैज टू बी कंक्लूसिव, वो इतने पुख्ते होने चाहिए कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट हो सके. अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो ऑडिट का रिपोर्टिंग ऑडिटर किसको करता है? शेयर होल्डर्स को, बिजनेस के ओनर्स को. जबकि इन्वेस्टिगेशन में देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करा कौन रहा है, सीजी करा रहा है, सीजी को रिपोर्ट करेंगे. मैनेजमेंट करा रही है, मैनेजमेंट को करेंगे. क्रेडिटर्स करा रहे हैं तो क्रेडिटर्स को करेंगे. उसके बाद अलग अलग प्रकार के ऑडिट्स होते हैं, स्टैट ऑडिट, वॉलेंटरी ऑडिट. जब हम बात करते हैं स्टैट ऑडिट मतलब मैंडेटरी अंडर लॉ, तो जैसे कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है कि हर कंपनी को ऑडिट कराना है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मैंडेट करता है कि हर बैंकिंग कंपनी को ऑडिट कराना है. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज को ऑडिट कराना है. कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत हर कॉपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट कराना है. इनकम टैक्स एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस हैं जिसके तहत चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को ऑडिट कराना है. उसके बाद वॉलंटरी ऑडिट्स मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से, इंडिविजुअल्स हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गया, अपनी मर्जी के हिसाब से, कंपलसरी नहीं है बट ऑडिट करा लेंगे तो अच्छा है, लोन वगैरह लेंगे फायदेमंद रहेगा. उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. अगर हम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एसए 200 में, और एसए 200 में बताया गया है कि ऑडिट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट करना. अगर हम स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें तो स्कोप नॉर्मली कौन डिसाइड करता है? या तो आईसीएआई डिसाइड करेगा, या लॉ डिसाइड करेगा, या जो भी क्लाइंट के साथ अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में डिसाइडेड रहेगा. अब स्कोप के अंदर मेनली याद रखिएगा तीन चीजें शामिल होती हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, एक डिस्क्लोजर्स चेक करना, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल चेक करना. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्लोजर्स, इंटरनल कंट्रोल, ये तीन वर्ड याद रखिए. तो फॉलोइंग एरियाज आर जनरली कवर्ड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. तो ऑडिट इस तरीके से होना चाहिए कि अपन क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एक्चुअल फिगर्स हैं आप उनको भी कवर करोगे, जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं आप उनको भी कवर करोगे, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं आप उसको भी चेक करोगे, कंट्रोल्स को भी चेक करोगे. राइट, ये सारी चीजें अपने स्कोप में कवर करोगे. अब क्या चीजें आपके स्कोप में नहीं आती हैं? व्हाट इज नॉट कवर्ड इन योर स्कोप. तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑडिटर जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं है डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए. एज ए ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें मैनेजमेंट सबमिट करता है हम उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हम ऑथेंटिकेट नहीं करते, हम एक्सपर्ट नहीं है कि भाई वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है कि नहीं है. फिर एज ए ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है, वी डोंट हैव द पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर. और एज ए ऑडिटर फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट्स को वेरीफाई करना भी हमारा काम नहीं है. बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया मैनेजमेंट ने, लेकिन भैया बिल्डिंग का क्या कंडीशन है, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, दैट इज नॉट आवर वर्क. उसके बाद बात करें ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. तो ऑडिट का जो डेफिनेशन था उसी में शब्द इंक्लूडेड था, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. तो जब ऑडिट इंडिपेंडेंटली होएगा उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? तो उसके एडवांटेजेस ये होंगे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा. अब स्टेक होल्डर्स में मैनेजमेंट भी आता है, स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज भी आते हैं, स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट भी आती है, स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज भी आते हैं, तो वो सारा बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, प्लस अगर बात करें तो अदर एंटिटीज जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है, मान लो पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म को भी बेनिफिट मिलेगा कि यार डिस्प्यूट वगैरह सेटल हो जाएगा, जो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वगैरह है उसमें झगड़ाबाजी नहीं होगा. ठीक है, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को अलग अलग एडवांटेज है. जैसे मान लो क्रेडिटर एक स्टेक होल्डर है तो उसको पता है मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, मैनेजमेंट को पता है कि यार कंट्रोल्स अच्छा है कि नहीं, एम्प्लॉयज ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं, राइट, कोई वेस्टेज वगैरह तो नहीं है. गवर्नमेंट को पता है कि यार टैक्सेस जो मिल रहा है वो रिलायबल है कि नहीं है. गवर्नमेंट को जो टाइम टू टाइम लाइसेंस वगैरह रिन्यू करना पड़ता है, लाइसेंस वगैरह देना पड़ता है, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिहाफ में वो लाइसेंस वगैरह भी दे सकते हैं. शेयर होल्डर्स को पता है कि हाँ यार प्रॉफिट्स वगैरह जो दिखाया जा रहा है सही से शो किया जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, कंट्रोल्स बराबर हैं. तो ये सारा क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट. उसके बाद अगर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की बात करें तो क्वालिटीज को डिवाइड किया जा सकता है इनटू टेक्निकल क्वालिटीज एंड पर्सनल क्वालिटीज. टेक्निकल क्वालिटीज मतलब वो सारे क्वालिटीज जो आप पढ़ते आ रहे हो फाउंडेशन से अभी तक, जैसे आपको अकाउंटेंसी पढ़ाया जा रहा है, ऑडिटिंग पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जा रहा है, लॉ पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारे टेक्निकल क्वालिटीज में आते हैं. और पर्सनल क्वालिटीज मतलब हमारे अंदर की क्वालिटीज, जैसे ऐसे 200 के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ OIPC से मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस यू केयर, तो वो सारे क्वालिटीज। देन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप एक रिलायबल पर्सन होने चाहिए, आपको सिचुएशंस को डील करना आना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो ऑडिटिंग का ना बाकी डिसिप्लिन के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के साथ एक रिश्ता है, लॉ के साथ रिश्ता है, फाइनेंस के साथ है, कॉस्टिंग के साथ है, आईटी के साथ है, तो ऑडिटिंग का अलग अलग फील्ड्स के साथ रिश्ता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। बोला ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग हर रिलेशन में एक चीज कॉमन है, क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड। तो बोला ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑडिटिंग इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ऑडिटिंग बिगन्स व्हेन द अकाउंटिंग एंड्स। तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए? थॉरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होना चाहिए। बोला ऑडिटिंग एंड लॉ क्लोजली रिलेटेड। ऑडिटर एग्जामिन्स द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू कि लॉ कंप्लाई हुआ कि नहीं, इसलिए ऑडिटर को लॉ का ज्ञान होना चाहिए, कंपनी लॉ का ज्ञान होना चाहिए, बिजनेस लॉ का ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स लॉ का ज्ञान होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स। बोला ऑडिटर को इकोनॉमिक्स का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो मतलब आउटसाइड। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा कंसर्न रहेगा ऑडिटर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कम रहेगा। फिर ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑडिटर का बिहेवियरल साइंस के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। बिहेवियरल साइंस भी क्लोजली रिलेटेड है विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। बोला देखो ऑडिटर फाइनेंशियल फिगर से तो डील करता ही करता है, बट उसके साथ साथ ना ऑडिटर को ना पीपल से भी डील करना पड़ता है, लोगों से डील करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑडिटर इन पार्टिकुलर, मैनेजमेंट ऑडिटर को ज्यादातर ह्यूमन बींग से डील करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कंट्रोल्स की चेकिंग करनी है तो जो बंदे कंट्रोल्स में इन्वॉल्व हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है वो लोग कैसे हैं, तो आप कंट्रोल्स को भी अच्छा जज कर पाओगे। सो दैट इज वाई यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू डील विद पीपल, यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, राइट। दैट इज पर्सनल, उसको बोलते हैं बिहेवियरल साइंस, कि आप सामने वाले के बिहेवियर से उसको परसीव कर पाओ, ठीक है ना। तो एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ऑडिटर, द इंटरनल ऑडिटर और द मैनेजमेंट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू डील विद ह्यूमन बींग्स रादर देन फाइनेंशियल फिगर्स। One of the basic elements in designing the internal control is personnel, and if a sound internal control is designed, it cannot work until and unless the people working in the organization are competent and honest. Auditing and statistics and mathematics, stat से भी रिश्ता है, test checking, sample basis में अपन काम करते हैं। उसके बाद maths की बात करें तो calculations का role आता है, तो calculations के लिए अपने को maths का भी knowledge चाहिए। ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, आजकल ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर्स से काम करती है, कंप्यूटर्स को यूज करती है बुक्स और अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए, सो अपने को भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बोला कि भैया ऑडिटिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसलिए अपने को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी नॉलेज होना चाहिए और फाइनेंशियल टेक्निक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आपके सिलेबस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आपको समझाया जाता है, लाइक बैंक्स, NBFCs, और अलग अलग फाइनेंशियल टेक्निक्स जैसे कि कैपिटल बस्टिंग हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, फंड फ्लो हो गया, उनके बारे में भी बताया जाता है। और फिर ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, तो ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन की बात करें तो बोला देखो आपको ना जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आप जब ट्रांजैक्शंस की इवैल्यूएट कर रहे हो तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए, आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब बोला प्रोडक्शन प्रोसेस की अगर बात करें कि प्रोडक्शन प्रोसेस का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बोला स्टैट ऑडिटर को भी होना चाहिए, बट स्टैट ऑडिटर को थोड़ा मोरा प्रोडक्शन प्रोसेस का ज्ञान होगा तब भी चलेगा, बट अगर इंटरनल ऑडिट की बात करें तो वहां पे आपको प्रोडक्शन प्रोसेस का ज्यादा ज्ञान चाहिएगा। क्या चाहिएगा? प्रोडक्शन प्रोसेस का ज्यादा ज्ञान चाहिएगा। अगर आप प्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझ पाओगे, अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस की जानकारी रखोगे, तभी आप जो एम्प्लॉयज हैं जिनका वेजेस वगैरह बोनस वगैरह प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो आप उनसे भी बातचीत कर पाओगे, आप उनसे भी क्या कर पाओगे? इंटरेक्ट कर पाओगे। उसके बाद मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द FRF। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंस ऑफ लॉज रेगुलेशन, एंड मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द ऑडिटर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स and of all the additional information. And basically when we talk about an auditor, so ultimately his responsibility is to report on the financial statements, ठीक है। अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज, जो अपन कंपनीज एक्ट में देखते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनीज, जो अपन कहाँ देखते हैं? कंपनीज एक्ट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज को दो प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है आपका गवर्नमेंट कंपनीज, एक होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। तो अगर अपन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज या सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, तो फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज वहां पे अपॉइंटमेंट बीओडी करता है और विद इन 30 डेज करता है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। और अगर बीओडी अपॉइंट नहीं कर पाता तब जाके मेंबर्स अपॉइंट करते हैं विद इन नेक्स्ट 60 डेज। टोटल टाइमलाइन दिया हुआ है विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात करें तो हमेशा मेंबर्स करते हैं, एजीएम में करते हैं, टर्म 5 साल का रहता है। और अगर गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर्स हों चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हों वहां पे अपॉइंटमेंट कैग करता है, सीएजी करता है, राइट। बाकी डिटेल्ड में ये सारी बातें अपने कंपनी ऑडिट चैप्टर में दी गई हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया इस चैप्टर में, एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, याद रखिएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, जहां पे हम एश्योरेंस दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। ऑडिट एक प्रकार का एश्योरेंस एंगेजमेंट है, बट ऑडिट इज नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट सिर्फ एक प्रकार का एश्योरेंस एंगेजमेंट है। जैसे रिव्यू है तो रिव्यू भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ऑडिट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, राइट। हो सकता है अपन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एश्योरेंस दे रहे हो, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट इज जस्ट वन ऑफ द टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अगर अपन ब्रॉडली एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें तो अगर अपन वर्ड मैनेजमेंट यूज करें गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी के लिए सुटेबल होता है। अगर अपन वर्ड ऑडिटर यूज करें गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑडिटर सिर्फ ऑडिट के लिए यूज होता है। तो इसीलिए अगर बात करें तो एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट को बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ऑडिटर को बोला जाता है प्रैक्टिशनर, और शेयर होल्डर्स को बोला जाता है इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट का, पहला ये एक 3 पार्टी रिलेशनशिप होगा जिसमें प्रैक्टिशनर होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगा, इंटेंडेड यूजर। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहां बोला जाता है सब्जेक्ट मैटर, कि आप किस सब्जेक्ट मैटर को वेरीफाई कर रहे हो, तो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो आप जब एफआरएफ की बात करते हो कि नॉर्मल ऑडिट में आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो, बट एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर जरूरी नहीं है ना कि आप एफआरएफ ही चेक कर रहे हो, इट्स ए ब्रॉड टर्म। तो वहां पे अपन बोलते हैं क्राइटेरिया। तो जिस सब्जेक्ट मैटर को आप वेरीफाई करते हो वो जो बेंचमार्क होता है उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप ऑडिट नहीं कर रहे, ऑडिट इज जस्ट वन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो यहां पे आप ऑडिट एविडेंस नहीं बोलोगे, आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस बोलोगे, और ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलोगे, रिटर्न रिपोर्ट बोलोगे। तो ये अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हो गए एश्योरेंस एंगेजमेंट के, ठीक है ना। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ऑडिट सिर्फ एक प्रकार का एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो एश्योरेंस एंगेजमेंट 3 टाइप का होता है। एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, दूसरा होता है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, और तीसरा होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी फ्यूचरिस्टिक। जब हम रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की बात करते हैं ना तो यहाँ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लगता है। जब हम रिव्यू एंगेजमेंट्स की बात करते हैं ना तो यहाँ स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स लगता है। और जब हम अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एश्योरेंस की बात करते हैं ना तो वहाँ स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लगता है। अब रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में डिफरेंस क्या है, तो बोला रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ऑडिट में आप रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करते हो तो इट्स अ सर्टेनली हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। जबकि लिमिटेड एश्योरेंस में थोड़ा सा कम एश्योरेंस होता है। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप कम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ड्रॉ करते हो बट ऑन बेसिस ऑफ लिमिटेड कंक्लूजन, आप लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस का एक एग्जांपल है और रिव्यू क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एक एग्जांपल है। और फाइनल टॉपिक जो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या होता है, तो बोला एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इज अ टर्म जिसको आईसीएआई ने इशू किया है। और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, एक तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आता है। जब हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना है हम उसका ऑडिट कर रहे हैं, एंड दैट्स अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। दूसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट भी आता है। अब यहां पे हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट नहीं कर रहे, रिव्यू कर रहे हैं, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट आता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि मान लो कुछ बैंक से लोन वगैरह चाहिए, कोई फोरकास्ट बनाया जा रहा है, अपन उसके ऊपर एश्योरेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लगता है। और ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि एज ए सीए आप सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, एज ए सीए आप नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो तो वो आता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, राइट। तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अंदर खाली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं आता, एसआरईज भी आता है, एसईज भी आता है, और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी आता है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है सर? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है. तो दिस आर द मेन एरियाज दैट वी नीड टू रिमेंबर इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर. अब हमारी ड्यूटीज क्या बनती हैं इन रिलेशन टू एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, कि एज ए ऑडिटर हमें इनका कंप्लायंस इंश्योर करना है. अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऐसे फॉलो करना है, अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं तो एसआरई फॉलो करना है, अगर मैं रिलेटेड सर्विस का काम कर रहा हूं तो एसआरएस फॉलो करना है. अब स्टैंडर्ड के अंदर प्रोसीजर दिया रहता है कब किस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को डेटर का वेरिफिकेशन करना है तो अपने को एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है. प्रोसीजर दिया वैसे 505 में, लेकिन क्या जरूरी है जब जब जो प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट दिया होगा ऐसे में अपन वही परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, अपने को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल डेटर कंफर्मेशन लेने का परमिशन मैनेजमेंट नहीं दे रहा तो अपने को ऑल्टरनेटिवली काम चलाना पड़ेगा. तो अगर अपन वो पार्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे तो अपने को ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म भी करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट भी देना होगा. अगर किसी कारण से अपन स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे तो अपने को रीजन फॉर डिपार्चर भी क्लियरली बताना होगा. क्या करना होगा? रीजन फॉर डिपार्चर भी क्लियरली बताना होगा. तो दिस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी नीड टू रिमेंबर इन दिस वेरी चैप्टर, दैट इज द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट.